स्ट्रक्स में आपका स्वागत है। एम्स एग्ज़ाम के लिए मैं आपके सामने कुछ जीके के क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके याद करने भी आपको पता भी होना चाहिए। कुछ आपको पता होंगे और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बहुत से एक्सपर्ट के द्वारा दिए गए हैं तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य युग्म का चयन करें। अब देखिए, जिसके अंदर ये है कस्तूरी मृग। जो कस्तूरी मृग है वो केदारनाथ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो और हाथी जो है वो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में। हाथी वगैरह ये बहुत ज़्यादा है। जो शेर का पौधा यहाँ पे दे रखा है वो ये क्वेश्चन एकदम गलत दे रखा है। तो हमारे इसका सही आंसर होगा शेर, क्योंकि शेर है जो गिर में होता है। गिर यानी गुजरात के अंदर, गुजरात में शेर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर ये होगा। और गेंडा जो है हमको पता है कि ये काजीरंगा के अंदर होता है। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने ब्रीटिंग रिट्रीट। जो है ब्रीटिंग रिट्रीट समारोह किससे संबंधित है? तो इस समारोह को ये किस संबंध से क्वेश्चन है? ये ना तो श्रमिक से है, न शहीद से है, न स्वतंत्रता। ये इसका सही आंसर है, ये गणतंत्र दिवस से संबंधित है। तो ये आपको पता, ध्यान रखना जरूरी है। तो देखिए, अब थर्ड क्वेश्चन पे आइए। देखिए, निम्न में से कौन सी पुस्तक की रचना गांधी जी ने की थी? अब देखिए, इसमें है ना इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। जितनी ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतनी ये हिंद स्वराज की हमारी ये महात्मा गांधी जी ने की थी। तो हमारा सही आंसर तो ये होता है, पर भारत की खोज किसने की थी ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो हमारे भारत की खोज की थी हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, ये पुस्तक लिखी थी। और जो इंडिया विंग्स है वो हमारे अब्दुल कलाम जी ने लिखी थी, तो देखिए, और जो ये हिंद है ये हमारा सही आंसर होगा। तो आपके एम्स के अंदर ये पूछ सकते हैं क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है पुस्तक के। अब देखिए, ट्रिपल टीका किसे कहते हैं? ट्रिपल टीका ये बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया, जैसे RS वगैरह, इसमें जो फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम वगैरह जिसमें GK के क्वेश्चन वगैरह पूछे गए हैं। तो देखिए, जो ये ट्रिपल टीका किसको कहते हैं? तो ट्रिपल टीका आपको याद रखना होगा कि इसको DPT को हम ट्रिपल टीका कहते हैं। तो DPT को ट्रिपल, तो ये हमारा सही आंसर होता है। अब देखिए, हम निम्न में से कौन सा वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है? तो चिकित्सा शास्त्र से हमारा अथर्ववेद संबंधित है, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। हमेशा ऐसे पूछते हैं कि अथर्ववेद, जो अथर्ववेद हैं वो किस शास्त्र से संबंधित हैं, तो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, ये हमें ध्यान रखना होगा, हमारा सही आंसर ये होगा। अब देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन, भारत में वह संवैधानिक पद कौन सा है जिस पर कभी भी कोई महिला निर्वाचित नहीं हुई? जैसे दोस्त जानते होंगे, मुख्यमंत्री का तो पद है ही और राज्यपाल भी हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, पर ये उपराष्ट्रपति पद ऐसा है जिस पर आज तक कोई महिला निर्वाचित नहीं हुई। तो हमारा सही आंसर ये बेहद इम्पोर्टेंट है, इसलिए बेहद इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, सेवंथ क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाता है, इम्पोर्टेंट है, इतिहास के एग्जाम्स में पूछते हैं ज़्यादातर, तो ये हमारा ये सही आंसर होगा। अब देखिए, हल्दीघाटी का युद्ध किस सत्र में लड़ा गया था? तो हल्दीघाटी का युद्ध जो था वो 157 CE इसमें लड़ा गया था। तो ये हो गया इसका। अब देखिए फ्रेंड्स, नाइन्थ क्वेश्चन जो ये है, भारतीय राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज कहाँ है? तो ये मिलिट्री कॉलेज कहाँ है? मिलिट्री कॉलेज हमारे देहरादून में है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हमारा सही आंसर होता है देहरादून। अब देखिए, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है अमेरिका के अंदर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, जो आदिनाथ ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? आदिनाथ जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था? आदिनाथ ग्रंथ जो था वो गुरु अर्जुन देव के द्वारा लिखा गया था, तो ये आपका सही आंसर होगा। अब देखिए, जो IMF का पूरा नाम क्या है? IMF का पूरा नाम है, जैसे बहुत से हैं, जैसे ये इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो फेडरेशन वगैरह ये बहुत से हैं, पर इसका जो मेन जो नाम है, जो जिस नाम से ये चलता है IMF, तो वो है इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग फंड है, या मॉनिटरी फंड है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अब देखिए, हमारा 13th क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वो हमारे USA में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए, 14th क्वेश्चन पे आते हैं, हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई क्या है? तो ये ऊंचाई बहुत बार पूछा गया है, तो ऊंचाई जो है वो है 8535 मीटर,
ये ध्यान रखना पड़ेगा ये भी। तो हमारा सही आंसर होता है 8535, जो किसकी है, कंचनजंगा चोटी की। अब देखिए 15 जो क्वेश्चन आता है कि डीजल इंजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, फर्स्ट एडिसन, कार्नोट, जो HW सेली है, और रेडोल्फ बेसेल्फ है। तो हमारे अब ऐसे भी नेम के हिसाब से भी देख सकते हैं कि ये इसके नाम के आगे भी डीज वगैरह होता है, तो ये मतलब अपने नाम से तो देंगे, तो ये डीजल टाइप हो गया। तो जो रूडोल्फ डीजल्फ है ये हमारा सही आंसर है। अब देखिए पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था, जो पहली बार जब राष्ट्रगान गाया गया था वो था 27 दिसंबर 1911 में, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 17, तो ये है जो है लॉजिकली क्वेश्चन है, ये लॉजिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा। अब देखिए अब इस अक्षर को देखना पड़ेगा, जैसे बी दिया, फर्स्ट अक्षर से देखते हैं कि बी सेकंड में क्या दे रहे हैं, यहाँ पे सी को छोड़ दिया, फिर यहाँ पे डी दिया, यानी एक अक्षर का गया प्रक्रिया, देखो डी, फिर यहाँ पे ई रख रहे हैं, ई को रख दिया, एफ आ गया, फिर ये देखो यहाँ पे जी को छोड़ दिया और एच आ गया। अब एच को छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आई को छोड़ देंगे, आई को छोड़ेंगे तो आएगा क्या, जे आएगा, अब नहीं पता चल रहा है। तो अब देखिए क्योंकि जे तो सबके अंदर है, तो ये अगला अक्षर अपन पता नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए सबके अक्षर देखिए, लास्ट वाले सबके अक्षर लगे, तो अपन लास्ट वाले से देखते हैं, तो जी, फिर क्या होता है, एच, एच को छोड़ दिया और आई दे दिया, आई के बाद जे को छोड़ दिया, आई जे एल के दे दिया, के फिर एल, एल को छोड़ा एम दिया, एन को छोड़ा फिर क्या देंगे ओ, तो ये सबसे लास्ट वाला भी हो गया, ऐसा ऐसा एक ही ऑप्शन है जो ये है, तो ये हमारा सही आंसर होता है। अब देखिए दोस्तों जो रमेश जो है वो मोहन का पिता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको है ना हमेशा इसका डायग्राम टाइप बनाते रहना चाहिए। जैसे जो रमेश है वो रमेश जो किसका पिता है, ये मोहन का पिता है, यानी आप ऐसे एक एरो बना दो, ये मोहन का एक पिता है, यानी मोहन इसका बेटा है, और पिता कौन है, आर वाला पिता है, यानी रमेश पिता है। अब देखिए जो श्याम है वो मोहन का पुत्र है, अब जो ये श्याम को एस बना दिया, ये श्याम किसका बेटा है, ये इस मोहन का बेटा है, तो ये किसका, मोहन का बेटा, यहाँ पे मोहन, मोहन क्या बना है, पिता बना है। अब देखिए तो रमेश और श्याम का क्या संबंध है, यानी इस रमेश का और इस श्याम का क्या संबंध है, आपको पता चल रहा है कि पापा के पापा क्या होते, दादा, ओके ऑब्वियसली, देखिए दादा दादा ऑप्शन है हमारे सामने। तो देखिए ये उस आंसर बस सिंपल क्वेश्चन होते हैं, पर अपन को बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, आप इस प्रकार का चार्ट बनाइए आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए बी सी का पिता है, यानी बी जो है पिता है, और सी क्या है, सी क्या दे रहे हैं, जो सी है जो उनका बच्चा है, यानी सी का पिता कौन है, बी है। अब देखिए किंतु सी जो है वो बी का पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो ऑब्वियसली अब बेटा तो है, यानी इसका इसकी ही संतान है, यानी या तो बेटा होगा या बेटी होगी, तो अब यानी पिता है तो पुत्र नहीं होगा तो पुत्री ही होगी, तो या बेटा नहीं होता है ये बेटी होगी। तो देखिए सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से ये बेटी वाला संबंध हो गया, बेटी वाला या पुत्री वाला संबंध, तो देखिए इसका आंसर आपके सामने पड़ा है पुत्री। अब देखिए किसी टेलीफोन डायरेक्टरी में निम्नलिखित नामों में से कौन सा नाम तीसरे नंबर पर आएगा। अब लोग सोचते हैं टेलीफोन डायरेक्टरी, अब इसके अंदर हमको देना है जैसे डिक्शनरी में जो वर्ड होते हैं उसके हिसाब से हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब देखिए जो हमको पूछा है थर्ड नंबर पे कौन आएगा, अब जैसे चार सीक्वेंस बनेगी तो थर्ड नंबर पे अपना कौन आएगा, तो देखते हैं अपन जैसे डिक्शनरी में कैसे लिखते हैं, जैसे ए तो सबका है ही। अब देखते हैं कि सबसे पहले क्या है कि बी, बी के बी में देखो ये आ रहा है, तो ये वाला फर्स्ट नंबर पे होगा। अब देखते हैं सेकंड, तो बी हो गया सेकंड, बी फिर सी डी ई एफ जी एच आई जे के एंड एल, तो एल वाला एल आ रहा है, यानी ये सेकंड होगा। अब देखिए थर्ड इसमें से या इसमें से कोई एक होगा। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड तो हमारे सामने हो गया, अब ये आई वाला, आई भी है हमारे सामने, आई भी है। अब देखते हैं केवल इस टी और इस एम में, एन में अंतर देखेंगे, तो कौन इन दोनों में से पहले आ रहा है, जैसे ये देखिए आपको पता ही है जैसे एन पहले आ रहा है तो ये हमारा थर्ड नंबर वाला होगा, और ये होगा फोर्थ नंबर पे जो टेलीफोन डायरेक्टरी में आएगा, यानी डिक्शनरी साइज में देखे तो ये हमारा सही आंसर कौन होगा, सी होगा। अगर यहीं पे अगर फर्स्ट पूछते तो हमारा ये आंसर होता। तो थैंक यू फ्रेंड्स।